साथियों, जिस तरह से पूरा ये हिंदू राष्ट्र का खतरा अब न केवल मंडरा रहा है, बहुत साफ तौर पे वी द पीपल करीब करीब इसके विक्टिम्स बन चुके हैं और बन रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से ये दिन प्रतिदिन हिंसा की ओर हमारे समाज को ले जा रहा है। इस परिस्थिति में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के साथ साथ थोड़ा इस मुद्दे के ऊपर भी चिंतन हो कि रिएक्शनरी बने बिना इसको हम कैसे काउंटर करें। साथियों, सबसे पहले दो चार बिंदु जो हम सभी को मालूम है, उसके बावजूद गुजरात के 2002 के दंगों के संदर्भ में दोबारा याद कराना चाहूंगा, रेखांकित करना चाहूंगा कि कोमवाद और हिंदुत्व की जो एथोस और वैल्यूज है भारतीय समाज में बहुत ही डीप रूटेड और एंट्रेंच है, और उसमें साथ साथ जातिवाद भी आता है। लेकिन जिस तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी पुलिस और प्रशासन ने प्रोएक्टिवली एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से वायलेंस को जो जन्म दिया, वो सबसे खतरनाक चीज पिछले 12-15 सालों की हमारे देश की राजनीति में साबित इसलिए हुई है कि उसके चलते न केवल गुजरात की जनता, लेकिन मोदी के सारे काले कारनामों को एक तरह से एक्सेप्ट करके करते करते वी द पीपल का एक मॉरल कैरेक्टर भी बहुत डाउन हो चुका है। तो बिना किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, स्टेट आईबी, सेंट्रल आईबी, सीआईडी क्राइम, क्राइम ब्रांच, होम डिपार्टमेंट, रॉ, किसी भी एजेंसी को एक पैसे की भी क्लू हो एस टू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपन एट गोधरा, नरेंद्र मोदी गोधरा पहुंचकर साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए ट्रेन के डिब्बे पे चढ़कर ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकवादी संगठनों का कारनामा है। एक, उससे तुरंत जो 56 लोग मर गए कार सेवक, उनकी डेड बॉडीज उनके रिस्पेक्टिव फैमिलीज को दिए बजाय उसका हवाला अहमदाबाद भेजकर वीएचपी के नेता जयदीप पटेल को सौंपा जा रहा है ताकि उन लाशों को अहमदाबाद की सड़कों पर बिछाए और जनता को प्रोवोक किया जाए कि बकायदा आप मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करना चालू करो। और तीसरी बात, गुजरात के आईपीएस राहुल शर्मा की सीडी के जो 9.5 लाख टेलीफोन कॉल्स है, उससे भी यह बात कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश हुई कि डेफिनेटली अनडाउटेडली एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी इसलिए थी कि बाबू बजरंगी और गोर्धन झड़पिया और दूसरे जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम से उनके साथ नरेंद्र मोदी के कार्यालय में से कुछ टॉप के ब्यूरोक्रेट सीधे संवाद में थे। इस हद तक संवाद में थे कि आधे आधे घंटे उन्होंने बात किए, जिसमें माया कोडनानी भी शामिल है। तो ये स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जिसने दंगे को भड़काया, पूरे गुजरात में फैलाया, और उसके बाद इसी तरह के एक कोमवाद की फांसीवादी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए 2008 तक एक के बाद उन्होंने एनकाउंटर्स चालू किए। ये दंगों की राजनीति, एनकाउंटर्स की राजनीति, उसके पैरेलल 2-3 चीजें चली। वो एक थी कि हमारे 2 और उनके 5 और उनके 25, ये वो लोग हैं जिनकी 5 बीवियां होती और 25 बच्चे पैदा करते हैं। फिर गौरव यात्रा निकाली, किस बात का गौरव ले रहे हैं तो किस तरह से बाबू बजरंगी को एक गर्भवती महिला के पेट में तलवार मारने के बाद महाराणा प्रताप जैसी फीलिंग जो उसको आई, उस फीलिंग को चेरिश करते हुए गौरव यात्रा निकाली। ये सारी चीजें एक से ज्यादा अकेडेमिशियंस, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स, मीडिया पर्सन के बहुत से एकेडेमिक काम, रिसर्च के आउटकम्स, वीडियो क्लिपिंग्स, तहलका के स्टिंग ऑपरेशन, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लॉयर्स के डेटा कलेक्शन, सभी से यह बात सारी के सारी ढेरों बार हम लोगों ने जनता के सामने रखी। लेकिन विकल्प, राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से ये सब
गलत हुआ ऐसे कहने वाले भी तबका पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी राजनीतिक विकल्प नहीं होने की वजह से वो लोग नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। और इसके चलते ये जो मॉब वायलेंस है उसको एक तरह से जस्टिफाई करते करते हम लोगों का मॉरल कैरेक्टर इतना डाउन हो गया कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की विक्टिम सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी को बलात्कार करने के बाद डीवाईएसपी एन के अमीन ने एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दिया, यानी कि वो बेहोश की गई और बेहोशी की अवस्था में उसे जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद इशरत का एनकाउंटर भी होता है और इस तरह से पूरी मोदी जी की राजनीति चली। उसके पैरेलल पिछले दरवाजे से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की ग्रिप इतनी जबरदस्त मजबूत कर दी कि 2002 के दंगों के वक्त ही जो एमटीएस की लाल बस अहमदाबाद में चलती है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एमटीएस की, अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस की, उसके जो परमानेंट एम्प्लॉइज थे उनको निकाल दिया और फिर कहा आपको काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम करो। और उसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की ग्रीप सारे प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर और करीब 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के ऊपर उसको इम्पोज कर दिया गया। पिछले दरवाजे सारी जमीनें अदानी अंबानी और एस्सार के नाम कर दी गई, इंक्लूडिंग गौचर्स है। तो एक तरफ से ये न्यूलिबरल प्रोग्राम कॉरपोरेट लूट और दूसरी तरफ से पूरा एक कौमवाद की राजनीति, इस दोनों का मिलन जो है, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, अनहोली नेक्सस है, उससे जो इमर्ज होता है वो है गुजरात मॉडल। और वही आज हम लोगों के सर के ऊपर थोपा जा रहा है। तो मुझे लगता है इसके चलते ऊना की जो हिंसा हुई या पहलू खान को जिस तरह मार दिया गया, लातेहार की घटना हुई, दादरी की जो घटना हुई, अहमदाबाद में महमूद अयूब की हत्या कर दी गई और अभी सहारनपुर में भी जो वायलेंस हुआ, सहारनपुर के वायलेंस के बारे में हम लोग बात करें तो आज ही मेरी सुबह वहाँ से किसी से बात हो रही थी, तो मामला सिर्फ इतना था कि कई दिनों से वहाँ के ठाकुरों का एक प्रेशर था दलितों के ऊपर कि भाई आप, आपका जो रविदास का जो टेम्पल है उसके प्रांगण में, उसके चौराहे पे, उसके चबूतरे में जो डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू बनाने जा रहे हैं वो मत बनाओ, हम लोगों को पसंद नहीं। सिर्फ इतनी बात थी। तो दलितों का एसर्शन या दलितों का किसी भी क्षेत्र में एक तरह से उभार हो वो उनसे सहन नहीं हो रहा है। और फिर वो अचानक महाराणा प्रताप की एक यात्रा लेकर उस गाँव में पहुँचते हैं और 60 से ज़्यादा दलितों के घर जला दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह उत्तर गुजरात में पाटन जिले में वडावली नाम का गांव है, वहां पर भी 100 से ज्यादा मुसलमानों के भी घर जला दिए गए। तो ये बात तो साफ तौर पे दिख रही है कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी जो मंशा है उसके चलते हर दिन हिंसा बढ़ रही है, दलित और मुसलमानों के ऊपर अटैक्स बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है उसको काउंटर करने का एक तरीका तो स्वाभाविक रूप से ये है कि वो जिस तरह के सांस्कृतिक वैल्यूज हम लोगों के ऊपर इम्पोज करते हैं, गाय को माता बनाकर या भारत माता के नाम पे या सरस्वती का गुणगान करके, तो उसको तो हम लोगों को कल्चरली काउंटर करना ही चाहिए कि भाई कुत्ती और गधी माता नहीं तो गाय माता क्यों, चलिए एक संवाद करते हैं। तो उस तरह से एक सांस्कृतिक प्रगतिशील कंटेंट वाला संवाद तो हम लोगों को जनता के बीच में ले जाना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास के बीच में उनकी वर्गीय चेतना बढ़े और वो पूरे पूरे इंटेंसिटी के साथ अपने रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा फिक्स पगार कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अनएम्प्लॉयमेंट ये सारे सवालों के साथ ये वर्किंग क्लास के तबके उठ खड़े हो और दलित मुस्लिम्स की एक यूनिटी केवल रेटोरिक के तौर पर या कॉन्फ्रेंसिस और सेमिनार में नहीं, एक मटीरियल रियालिटी बनकर जिस तरह से ऊना में प्रकट हुई या उस तरह से आने वाली दुनिया में के दूसरे कार्यक्रम से बाहर आए वो जब तक नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं हमारी कंसर्न या कमिटमेंट कितनी भी अच्छी हो हम लोग कहीं ना कहीं रिएक्शनरी बनकर रह जाते हैं। तो ऐसे वर्किंग क्लास के जन आंदोलन हम लोगों को पैदा करना होगा जिसमें हम लोग रिएक्शनरी ना बने और खुद का एजेंडा सेट करते हो। वो किस तरह से हो सकता है और वो कितना क्रिएटिविटी के साथ हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत हम लोगों की इन फोर्सेस को काउंटर करने की और खुद की सक्सेस अचीव करने का एक आधार उसके ऊपर रहेगा। मैं एक रफ आइडिया आपके बीच में थ्रो करता हूँ। मान लीजिए कि ऊना के ऊना की घटना को, ऊना की वारदात को भी जुलाई में 1 साल होगा, उस 1 साल के मौके पर हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऊना के आंदोलन की सक्सेस के
जो तीन चार डायमेंशन थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन ये था कि गाय की पूछ आप रखो, वो जब हम कहता है तब उनके कॉम्युनल एजेंडा को तो रिजेक्ट करते ही है, लेकिन जब ये कहते कि हमें हमारी जमीन दो तब हमें जो चाहिए वो एजेंडा सेट करते हैं। तो वो एजेंडा खुद हम लोग सेट करें, हमारी जो भी लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड लोग हैं, यूजुअल सस्पेक्ट्स की ही गैंग हम लोगों के बीच में हमेशा रहती है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, उन सबके बावजूद खुद की ये जो भी क्षमता है उसको जमीन पर उतार कर खुद के एजेंडा सेट करने वाले वो कौन से प्रोग्राम्स हो। मुझे लगता है कि ऐसा प्रोग्राम हम लोग क्यों ना कर सके, जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ, हम लोग ऐसा एक क्या प्रोग्राम लॉन्च कर सकते आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, कि इंडिया अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो जिसपे भारतवर्ष के सारे वामपंथी प्रगतिशील दलित आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग, ट्रेड यूनियन के साथ सब जुड़े हुए लोग जंतर मंतर पे आए या रामलीला मैदान पे आए और कहे कि नो टू कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। क्या इंडिया अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कहीं पे? क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि गाय की पूछ आप रखो हमें हमारी जमीन दो, गाय की पूछ आप रखो हमें रोटी कपड़ा और मकान दो, गाय की पूछ आप रखो और हमें 1 करोड़ रोजगार दो? मुझे लगता है कि ये जो मॉब वायलेंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को और भी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ाते हुए, उसको काउंटर करने के लिए केवल रिएक्शनरी बनकर हम लोगों की बात नहीं चलेगी, हम लोगों को खुद का एजेंडा सेट करे उस तरह के आंदोलनों को खड़ा करना पड़ेगा। और वो आंदोलनों को खड़ा करने के लिए मैक्सिमम जितना भी हम लोग जनता के बीच में जाए, यदि जनता को किसी एक कार्यक्रम में मोबिलाइज हम लोग नहीं कर पा रहे तो जनता जहां पर है उनके बीच में हम लोग जाए और लगातार पर्चे बांटे जाए, पोस्टर्स कैंपेन हो, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन हो, छोटा मोटा माइक लेकर भी उनके बीच में चले जाए। ये गाय माता वाली पॉलिटिक्स क्या है, भारत माता वाली पॉलिटिक्स क्या है, हम लोगों के आर्थिक सवाल क्या है, क्यों इस देश में केवल 10% लोगों के पास 80% संपत्ति के ऊपर उनका कब्जा है, कुपोषण और आरोग्य संबंधी बीमारियों के चलते हर साल क्यों 9000 बच्चे मर जाते हैं, 50% बहनों के शरीर बॉडी में खून की कमी क्यों है, क्यों 90,000 करोड़ के नर्मदा की कैनाल के बजट के बावजूद आधा गुजरात प्यासा क्यों है, क्यों 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 5 साल तक 4,500 की सैलरी पे फिक्स पगार की स्कीम में रखकर उनका जबरदस्त एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है, लेप्रोसी के पेशेंट्स के लिए एकमात्र जो अस्पताल था गुजरात में वो भी क्यों बंद कर दिया गया। तो ये वो कुछ सवाल है, मुझे लगता है वो खास करके यूथ में बीच में हम लोगों को उठाना पड़ेगा। और इस तरह के सवाल उठाकर ये जो कौमवादी फांसीवादी ताकतें हैं उनको शायद हम लोग काउंटर कर पाएंगे। वर्गीय चेतना, वर्किंग क्लास की, श्रमजीवी वर्ग की जब तक एक पूरी पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़ा नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में से कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा, तब तक मैं मानता हूं कि ये हिंसा का, हिंदू राष्ट्र का जो पूरा कारोबार है वो चलता रहेगा। दूसरा, उसके साथ साथ मैं मानता हूं कि अब आपके और हम लोगों के बीच में इस बात को लेकर तो कोई दो राय है ही नहीं कि इन द फाइनल एनालिसिस हिंदू राष्ट्र का 2 मतलब है, एक तो मुसलमानों को मार भगाओ और दूसरा कि हिंदू राष्ट्र यानी कि सनातन धर्म की जो फिलोसॉफी है, वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, कास्ट सिस्टम को इंटेक्ट रखो, हो सके तो और भी दुरुस्त और एनहांस करो। तो हम लोगों के बीच में भी ये एक डिबेट भी आइडियोलॉजी के स्तर पर बहुत तगड़ी होनी चाहिए कि जाति निर्मूलन कैसे हो, और जाति निर्मूलन कैसे हो उसके स्वाभाविक रूप से 2 पहलू होने चाहिए कि कास्ट हम लोगों की चेतना के साथ जुड़ा हुआ सवाल है तो एट द सेम टाइम उसका एक मटेरियल फाउंडेशन भी है। तो दलित आंदोलन के डिस्कोर में भी मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी कमी है, और दलित मुसलमान के संदर्भ में जिस तरह से ऊना के आंदोलन ने एक रास्ता दिखाया, मैं मानता हूँ अहमदाबाद में, गुजरात में और गुजरात के बाहर भी जहाँ जहाँ पर दलित और मुसलमान की आबादी है वहाँ पर केवल पहलू खान और ऊना की बात ना हो, पहलू खान और ऊना की तो बात हो, मोहम्मद अयूब और दादरी की तो बात हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ वो दोनों कम्युनिटी के लोग जहाँ पर साथ में रहते हैं वो दोनों वर्किंग क्लास के हैं, वो किन फैक्ट्रीज में जाते हैं और वहाँ पर उनका PF कटता है कि नहीं, वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का किस तरह से शिकार है, वहाँ पर उनको मिनिमम वेजेस मिलता है कि नहीं, वहाँ पर उनके शेल्टर के क्या सवाल है, वहाँ पर उनके सिविक राइट्स के क्या सवाल है, बेसिक एमिनिटीज़ है कि नहीं, ये वो जो सवाल है, उन दोनों सवालों को हम लोग जब अच्छी तरह से लिंक कर पाएंगे क्रिएटिविटी के साथ और इस आंदोलनों में यूथ को जोड़े, तब जाके मैं मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की उनकी जो जातिवादी, कौमवादी, फांसीवादी डिजाइन है उसके सामने कल्चरल और मटेरियल एक अच्छा रिस्पॉन्स और एक एजिटेशन हम लोग खड़ा कर पाएंगे। तो इतनी
बात के साथ मेरी बात यहाँ पे रखता हूँ। थैंक यू सो मच।